हेलो स्टूडेंट, आज हम इकोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो एमएससी फाइनल ईयर का सेकंड पेपर है। बात करते हैं हम इकोलॉजी की। इकोलॉजी है क्या, इसके शब्द को देखते हैं। इकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ऑइकॉस प्लस लॉगस। ऑइकॉस मीन्स होता है हाउस, घर। लोगस मीन्स होता है स्टडी, अर्थात घर में अध्ययन करना। यहाँ हम बात करते हैं कि इकोलॉजी आखिर है क्या। तो इकोलॉजी है किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके घर में अध्ययन करना। हम कह सकते हैं दस इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट होम। किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके घर पर अध्ययन करना, जहाँ वो जीव रह रहा है उसी स्थान पर उसका अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है। देन हम बात करते हैं इकोलॉजी टर्म की। तो इकोलॉजी जो टर्म है, सर्वप्रथम हेनरी डेविड थ्योरी ने इसको यूज किया था अकॉर्डिंग टू कॉर्मोंडी के अनुसार। लेकिन जो रेफरेंस है, जितनी भी साइंस की बुक हैं जिनमें यह रेफरेंस मिलता है, तो उसमें रीटर के पक्ष में यह जाता है, जिन्होंने 1868 में सर्वप्रथम इकोलॉजी टर्म का उपयोग किया था। कुछ साइंटिस्ट अर्नेस्ट हेकल को इकोलॉजी का जनक मानते हैं, जिन्होंने 1886 में इसकी डेफिनेशन भी दी और इसका विस्तार से इसके बारे में बताया था। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है और अभी भी इसके ऊपर कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया, रिटर ने दिया या अर्नेस्ट हेकल ने। लेकिन जितना भी लिटरेचर है वो प्रेफर करता है और फेवर में जाता है, रिटर के पक्ष में वो जाता है। ये कंपटीशन की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कभी कभी जब कभी ऐसा पूछा जाता है कि इकोलॉजी टर्म किसने दिया, तो यदि इन दोनों में से कोई भी एक साइंटिस्ट का नाम हो तो आप उसी का उपयोग करें और उसी को आप सही माने। और यदि ऐसा होता भी है कि अर्नेस्ट हेकल और रिटर दोनों आते हैं, तो मेरे अनुसार आप रिटर को प्रेफर करें, क्योंकि अभी भी इस पर कोई निश्चितता नहीं है कि यह शब्द किसने दिया था। फिर हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी है रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के मध्य जो रिलेशनशिप है, इसका अध्ययन करना ही इकोलॉजी कहलाता है। या हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं, और अपने जो भौतिक पर्यावरण है या भौतिक वातावरण है उससे इंटरेक्ट करते हैं, उसी का जो अध्ययन है यह इकोलॉजी कहलाता है। ईपी ओडम ने कहा है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी। इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन का अध्ययन करना ही इकोलॉजी कहलाता है। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, जिन्हें भारतीय इकोलॉजी का जनक भी कहा जाता है, इनके अनुसार इंट्रैक्शन ऑफ फॉर्म फंक्शन एंड फैक्टर, जितनी भी फॉर्म है अर्थात जितनी भी स्पीसीज हैं और उनके क्या कार्य हैं और जितनी भी कारक हैं जैसे फिजिकल फैक्टर हैं, इनके मध्य जो इंट्रैक्शन होता है इसका अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इकोलॉजी के संगठन के लेवल क्या हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं हम। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट और इसकी जो बेसिक यूनिट है इकोलॉजिकल हायरार्की, वो है इंडिविजुअल्स या जिसे हम ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, या कोई ह्यूमन बीइंग हो सकता है, या कोई डॉग हो सकता है, बफेलो हो सकता है, काऊ हो सकता है, कोई भी एक इंडिविजुअल्स है। इंडिविजुअल्स होता है इसकी बेसिक यूनिट, और इकोलॉजी की बेसिक यूनिट होती है, या इकोलॉजिकल हायरार्की की बेसिक यूनिट होती है। पॉपुलेशन, ग्रुप्स ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स इन ए पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। इसमें क्या होता है कि जो सिमिलर इंडिविजुअल्स हैं उनका एक समूह जो एक विशेष जियोग्राफिकल एरिया में रहता है, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं।
या हम ये कह सकते हैं कि समान प्रकार के जीवों का समूह जो एक पार्टिकुलर एरिया में रहता है उससे हम पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहीं की धौलपुर की, कि धौलपुर में जितने भी ह्यूमन्स का नंबर है वो सब के सब ह्यूमन की पॉपुलेशन कहलाएगी। धौलपुर के अंदर ही यदि डॉग्स की जितनी भी संख्या या बफेलो की जितनी भी संख्या, ये सब के सब बफेलो की पॉपुलेशन या डॉग्स की पॉपुलेशन कहलाएगी। तो एक ही स्पीसीज़ के हैं जो कि समान प्रकार के दिखाई देते हैं, उनका एक ग्रुप्स है, एक समूह है जो एक पार्टिकुलर एरिया में रहता है, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। आगे कम्युनिटी, कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। कम्युनिटी है असेंबलेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज विच लिव इन ए पार्टिकुलर एरिया एंड इंटरेक्ट ईच अदर थ्रू कंपटीशन, प्रेडेशन एंड म्यूटिलेज। इसको भी समझ लेते हैं कि जो कम्युनिटी है ये हायर लेवल है पॉपुलेशन से, जिसके अंतर्गत एक से अधिक स्पीसीज की पॉपुलेशन को सम्मिलित किया गया है एक पार्टिकुलर एरिया में। जैसे हम बात करते हैं यहीं का धौलपुर का एग्जाम्पल लेते हैं, धौलपुर में ही है और एक से अधिक स्पीसीज जैसे ह्यूमन विंग्स की है, डॉग्स की है, बफेलोज की है, काओ की है, या यहाँ जितने भी जंगली सुअर वगैरह हैं या और भी जितने भी पक्षियों के स्पीसीज यहाँ पाई जाती हैं, तो ये सब एक पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रह रही हैं। इन सब को मिला के बनती है ये कम्युनिटी। पॉपुलेशन एक ही स्पीसीज के जीवों का समूह होता है, जबकि कम्युनिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे ये ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन है ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, भिन्न स्पीसीज का समूह होता है जिसमें कि एक से अधिक या एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले 5, 7, 10 स्पीसीज, इन सब का समूह होता है और ये स्पीसीज एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं वाय कंपटीशन के द्वारा, प्रतिस्पर्धा के द्वारा या प्रेडेशन के द्वारा या म्यूचुअलिज्म के द्वारा, या प्रोटोकॉर्पोरेशन है, कॉमन सेलिज्म है इसके द्वारा, या पैरासिटिज्म है, इनके द्वारा ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे जो कुत्ता बिल्ली में जो बैर होता है या कुत्ता बिल्ली को खा जाता है, ये इस तरह का जो कंपटीशन ये हो रहा है ये एक कम्युनिटी के अंदर ही होता है जिसमें विभिन्न जो स्पीसीज हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होती हैं। देन हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। तो इकोसिस्टम क्या है? अब जो कम्युनिटी है यदि इस कम्युनिटी के अंदर साथ ही इसका फिजिकल एनवायरनमेंट और टच कर दिया जाए, इसमें जोड़ दिया जाता है, तो वो इकोसिस्टम कहलाता है। तो इकोसिस्टम है, इसके अंतर्गत एक तो बायोलॉजिकल कम्युनिटी है एंड उसका एक फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, उन दोनों के मध्य इंटरेक्ट होगा और जो मटेरियल्स हैं और एनर्जी है इसका ट्रांसफ़र होता है, इकोसिस्टम कहलाता है। इट कंसिस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी एंड फिजिकल एनवायरनमेंट बोथ इंटरेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल एज वेल एज एनर्जी। तो इसमें क्या होगा कि जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी है इस कम्युनिटी का इंटरेक्शन होगा फिजिकल एनवायरनमेंट से, फिजिकल एनवायरनमेंट लाइट है, टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, ह्यूमिडिटी है, इन सब से इसका इंटरेक्ट होगा तथा जो मटेरियल्स है और एनर्जी है इसका ट्रांसफ़र होता है। इसके बाद और ऊंचा जो हायर लेवल आता है और उच्च श्रेणी का जो लेवल है यह है लैंडस्केप, जो कम ही चर्चा में रहता है। इसमें क्या होता है कि जो लैंडस्केप एक नेचुरल बाउंड्री होती है, लैंडस्केप जो भी है इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो डिफरेंट इकोसिस्टम होते हैं उसके पैचेज पाए जाते हैं इसके अंतर्गत। इकोसिस्टम से बड़ी है इसका मतलब एक से अधिक इकोसिस्टम के इसमें पाए जा सकते हैं। तो लैंडस्केप में क्या है, हैविंग पैचेज ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम, इसके अंतर्गत डिफरेंट इकोसिस्टम के पैचेज इसके अंतर्गत पाए जाते हैं और ये क्या होगा कि यूनिट ऑफ लैंड है ये जो डिस्टिंग्विश्ड बाय ये नेचुरल बाउंड्री, जो एक नेचुरल बाउंड्री के द्वारा प्राकृतिक अवरोध के द्वारा या प्राकृतिक सीमा के द्वारा पृथक होती है। बायो लैंडस्केप से बड़ी इकाई है और इसे हम कह सकते हैं कि बायोस्फीयर एंड लैंडस्केप के मध्य की हायरार्की है। ये क्या है, एक रीजनल यूनिट है बायो।
जो कि एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत ही पाई जाती है, जैसे टुंड्रा है, डेजर्ट है, ट्रॉपिकल है, रेन फॉरेस्ट है, तो इसके अंदर के एक से अधिक लैंडस्केप और एक से अधिक इकोसिस्टम हो सकते हैं। तो एक एक पार्टिकुलर जो क्लाइमेटिक जोन है वो बायोम कहलाता है, एक पार्टिकुलर और स्पेसिफिक जो क्लाइमेटिक जोन है ये बायोम कहलाएगा, जैसे टुंड्रा, डेजर्ट, ट्रॉपिकल, रैन फॉरेस्ट। बायोस्फीयर ये है इकोलॉजिकल हायरार्की की सबसे बड़ी इकाई है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं वो सभी एरिया या ये सभी क्षेत्र बायोस्फीयर के अंतर्गत आता है। पृथ्वी पर जहाँ पे भी जीव जंतु रहते हैं वो संपूर्ण क्षेत्र बायोस्फीयर कहलाता है। तो स्टूडेंट आज हम बता रहे थे आपको इकोलॉजी की सामान्य डेफिनेशन के बारे में, इकोलॉजी का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, इकोलॉजी क्या है, शब्द इकोलॉजी शब्द किसने दिया है, डेफिनेशन क्या है एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे हैबिटेट इकोलॉजी की। थैंक यू।